मैं हूं दीन और आप देख रहे हैं दीन आई लग सक कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो गाइस आजकल कितनी गर्मी है और गर्मियों में तो मेरा तो सिर्फ तीन चीज़ों को दिल करता है, आइसक्रीम आइसक्रीम और आइसक्रीम। तो मैंने सोचा चले आज आइसक्रीम बनाते हैं। मेरा फेवरेट फ्रूट मैंगो है, इस वजह से मैं उसका मैंगो भी बनाऊंगी, मैंगो की आइसक्रीम बनाऊंगी और वो सीजनल फ्रूट भी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस वैसे मुझे बताइएगा ज़रूर आपको मेरा न्यू इंट्रो कैसा लगा। तो ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स, सिर्फ थ्री इंग्रेडिएंट आइसक्रीम है। ये है क्रीम, कंडेंस मिल्क और मैंगो। तो गाइस ये मैंने ना कट करके टू मैंगोस को इनको फ्रीजर में रख दिया था जिप लॉक बैग में। तो लेट्स रोल द क्लिप। तो गाइस अब हम मैंगो प्यूरी बनाएंगे, तो ब्लेंडर में कर लेते हैं, इजी से हो जाएगा। तो सारे मैंगो आपने ब्लेंडर के अंदर निकाल लेने। तो गाइस इसमें हम साथ ही कंडेंस मिल्क भी डाल देंगे ताकि वो इजीली ब्लेंड हो जाए। ये वैसे हम लोगों ने होममेड कंडेंस मिल्क बनाया है। आप पहले कम डालें, चाहे बाद में आप इसकी थोड़ा सा देख भी सकते हैं स्वीटनेस की वजह से। तो इसमें हम शुगर नहीं डालेंगे, सिर्फ कंडेंस मिल्क डालेंगे। तो गाइस ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। तो गाइस अब हम लोग करेंगे क्रीम को वेव। वैसे मैंने सिंपल क्रीम ली है, मेरे पास व्हिपिंग क्रीम नहीं थी। ये इससे भी सेम ही होगा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसको हम व्हिप करेंगे बच्चे। गाइस अब हम लोग इसको व्हिप करेंगे। हमने अब इसको व्हिप कर लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये प्यूरी, मैंगो प्यूरी। हमने सारी ही मैंगो प्यूरी निकाल ली है, अब हम करेंगे इसको मिक्स। थोड़ा सा हम इससे बीटर से ही कर लेते हैं। तो गाइस ये हम लोग अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको हम लोग स्पैचुला से भी ला देंगे साइड्स को, जो क्रीम साइड पे लगी है। तो गाइस अब हम इसको मोल्ड में डालेंगे। वैसे ही मैंने मोल्ड को थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रखा था। तो गाइस इसको हमने डाल दिया, हम इसको अच्छे से करेंगे सेट। तो गाइस अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये मैंगो, जैसे ही डेकोरेशन के लिए भी। तो अब इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर पेपर ताकि इसमें क्रिस्टल्स ना बने। इसके ऊपर हम लगाएंगे फॉइल, इसके ऊपर हम लगा लेंगे फॉइल। अब फिर हम इसको रखेंगे फ्रीजर में ओवरनाइट। गाइज नेक्स्ट डे आइसक्रीम रेडी हो चुकी है, हम इसको खोल के देखते हैं। क्यों
बिल्कुल फ्रोजन हो गई है। मैंने इसको जो स्कूप वाला इसको मैंने थोड़ी देर गर्म पानी में रखा था ताकि वो इजीली स्कूप निकल आए। डन। तो ये देखिए कितने मज़े की लग रही है, तो जल्दी जल्दी इसको ट्राई करते हैं। और वैसे मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, आप भी बताइएगा आपको कैसी लगती है। तो मज़े का फ्लेवर है, जैसे हम बाहर से लेते हैं ना उससे भी बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल मैंगो का फ्रेश फ्लेवर है। तो गाइस आप लोग ज़रूर ही ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनी है। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।